हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन क्लास 12 में अपना लेशन नंबर 6 अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे थे। इसमें अम्लीय मृदाओं के बारे में अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब अपन बात करेंगे इसकी लवणीय मृदाओं की। इसकी बात करेंगे लवणीय मृदाओं की। तो आज का टॉपिक है अपना लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्लियर बेटा, इससे पिछली क्लास में लवणीय मृदाएं क्या होती है और उनके बनने के कारण क्या थे, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज किस प्रकार से ये निर्माण होता है उसके बारे में अपन यहां से अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके लिए दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसके लिए कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए कौन कौन आया, एक तो है आपका डी सिग्मोंड। क्या नाम है? डी सिग्मोंड। और दूसरा नाम है आपका केली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। सर्वप्रथम अपन किसकी बात करते हैं, डी सिग्मोंड की बात करते हैं। इसने शुरुआत में कितनी प्रावस्थाएं बताई, चार प्रावस्थाएं बताई। कितनी बताई बेटा, चार प्रावस्थाएं बताई किसकी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा के निर्माण की। पहली प्रावस्था क्या है, लवण का एकत्रीकरण। क्या है, लवण का एकत्रीकरण। दैट मीन्स किस तरह से अपनी जो मृदा है, अपना जो खेत है, उसमें किस तरह से लवण आके इकट्ठे हो जाते हैं। अपने पढ़ा था लवणीय मृदा बनने के कारण, तो उसमें आठ कारण अपने पढ़े थे। तो उन सब कारणों से क्या होता है, मृदा के ऊपर धीरे धीरे लवण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे लवणीय जल से सिंचाई, अधिक मात्रा में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, ऐसे कुछ कारण है जिनकी वजह से मृदा पर लवण क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं अपन लवणों का एकत्रीकरण, लवणों का एकत्रीकरण। क्लियर। सेकंड है लवण से क्षारीय लवणों का निर्माण। जो लवण है उनमें क्षारीयता बढ़ती जाती है, जो लवण है उनमें क्षारीयता बढ़ती जाती है। जैसे बात करें अपन NaCl, क्या है बेटा ये लवण। NaCl क्या है, लवण। अगर इसमें Na की मात्रा बढ़ेगी, Na प्लस की मात्रा बढ़ेगी, तो ये इसको क्या कहेंगे अपन, क्षारीय लवण कहेंगे इसको, क्षारीय लवण। उसके बाद होता है निक्षालन। क्या होता है बेटा, निक्षालन। निक्षालन का मतलब होता है लीचिंग, और अगर अपन सिंपल भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं धोना। जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो पानी और साबुन की सहायता से अपन कपड़े धोते हैं। पहले अपन कपड़े को भिगोते हैं, फिर उसमें साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद वापस को पानी से अपन साफ करते हैं। तो पानी के अंदर जो आपका तेल है या कुछ आपका गंदा मटेरियल है वो रह जाता है और अपना कपड़ा साफ हो जाता है, उसको बोला जाता है निक्षालन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लवण का निर्माण हुआ, किसका हुआ, क्षारीय लवणों का निर्माण हुआ, वो पानी की सहायता से धीरे धीरे कहा जमा हो जाते हैं, मृदा के निचले स्तरों में। कहा हो जाते हैं बेटा, मृदा के निचले स्तरों में। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, निक्षालन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग, LeaCHing। क्या बोलेंगे, लीचिंग। क्लियर। आगे आपका निम्नीकरण, क्या है निम्नीकरण, मतलब जो आपके अधिक मात्रा में लवण जमा हो गए, इसकी बात करेंगे, अधिक मात्रा में जो लवण जमा हो जाते हैं उनमें क्या होगा, धीरे धीरे जिसे बोलते हैं ना छांटना, ज्यादा है उनमें से अच्छी अच्छी अपन ने छांट ली और बेकार बेकार अलग रह गई, उसको बोलते हैं निम्नीकरण होना। तो अधिक मात्रा में लवणों के जमा हो जाने से उन लवणों में से आयन अलग हो जाते हैं, उस क्रिया क्या बोलते हैं अपन, निम्नीकरण। इसके थोड़े समय बाद डी सिग्मोंड ने एक पांचवी प्रावस्था बताई, किसकी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा के निर्माण की। किसकी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा के निर्माण की, जिसको क्या नाम दिया, रीग्रेडिंग। क्या नाम दिया बेटा, रीग्रेडिंग। आज समझ में आई। तो डी सिग्मोंड के अनुसार टोटल कितनी अवस्था होगी, पांच अवस्था। प्रथम में कितने दी, चार। कौन कौन सी, लवण एकत्रीकरण, लवण से क्षारीय लवणों का निर्माण, निक्षालन या लीचिंग मतलब धोना, निम्नीकरण, और पांचवी प्रावस्था का नाम दिया उसने रीग्रेडिंग। फिर आए अपने पास में कौन, केली। केली के अनुसार क्या कहा,
कि इन प्रावस्थाओं का क्रम जरूरी नहीं है यही हो, आगे पीछे हो सकता है, परंतु कैसे भी लवणीय एवं क्षारीय मृदा का निर्माण होना आवश्यक है। आपके पद यही रहेंगे, क्रियाएं यही रहेगी, परंतु इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये किसने कहा? केली ने। तो आपके अनुसार क्वेश्चन आ जाए कि लवणीय क्षारीय मृदा के निर्माण को समझाओ, तो आपको दोनों लिखने हैं, या डीसी मोड के अनुसार समझाओ, तो आपको फिर ये पॉइंट समझाने हैं। आया ना? क्लियर। तो डीसी मोड के अनुसार प्रथम में कितनी अवस्था? पांच अवस्था। फिर थोड़े समय बाद पांचवी अवस्था उसने और ऐड कर दी। केली ने कहा कि इन पांच अवस्थाओं का क्रम जरूरी नहीं कि यही हो, आगे पीछे हो सकता है, पर अंत में क्या होना चाहिए? लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण होना चाहिए। क्लियर। अब इनको अपन थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। पहली कौन सी? आपकी लवणीकरण, मतलब लवण का जमा होना। लवण का जमा होना, तो इसके लिए शुष्क मृदाएं होती है, अर्ध शुष्क मृदाएं होती है, जहां का ताप अधिक होता है, वर्षा कम होती है, वहां की मृदा सामान्यतः क्या होती है बेटा? लवणीय होती है। और धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाते हैं? लवण जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? लवणीकरण। क्या बोलते हैं? लवणीकरण। फिर आता है अपने पास में कौन सी क्रिया? क्षारीयकरण। कौन सी क्रिया? क्षारीयकरण। तो जो लवण है उनमें से क्षारीय आयनों की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्षारीय आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहेंगे उसको? लवणीकरण। क्या बोलेंगे? लवणीकरण। अब इसको मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाता हूं। देखिए बेटा, देखो इधर, ये अपने पास में क्या है? क्ले। इसको बोलते हैं मृदा संकीर्ण। क्या बोलेंगे? मृदा संकीर्ण। मृदा संकीर्ण का मतलब यह है कि मृदा का वो छोटा सा भाग जहां पर अपन लवणीय और क्षारीय मृदा के निर्माण को का अध्ययन कर रहे हैं, मृदा का वह छोटा सा भाग जिस पर लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण का अध्ययन करते हैं, उस भाग को क्या कहेंगे अपन? मृदा संकीर्ण। और उसकी ऊपर की सतह को क्या बोला जाता है? क्ले। क्या बोलते हैं बेटा? क्ले। इसके ऊपर सामान्य अवस्था में कौन सा आयन होते हैं बेटा? Ca+2 आयन। कौन से बोलते हैं? Ca+2 आयन। इसको बोलेंगे अपन लवणीकरण। क्या बोलेंगे? लवणीकरण। अब धीरे धीरे यहां पर किसी भी स्रोत से अपन निकालता लवणीय मृदा बनने के कारण, तो उस किसी भी स्रोत से क्या आ जाए? Na+ आयन बढ़ते चले जाए। क्या आ जाए? Na+ आयन आ जाए। तो क्या होगा? देखिए इधर, ये क्या है आपके पास में? क्ले। और यहां पर क्या आ जाएगा? Na+। और यहां पर भी क्या आ गया? Na+। और ये आपका Ca+2 बाहर हो गया। तो ये तो था आपने पास में लवणीकरण की स्थिति, जहां पर क्या थे? लवण जमा हो गए थे। और ये कौन सी स्थिति आ गई? इसको बोलेंगे क्षारीयकरण। क्या बोलेंगे इसको? क्षारीयकरण। क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन का प्रतिस्थापन किससे हो गया? सोडियम आयन से। किससे हो गया? सोडियम आयन से। इसलिए सोडियम आयन की सांद्रता में क्या हो गया? धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो ये थी लवणीकरण, और इससे सोडियम आयन, क्योंकि ध्यान दो इस चीज को समझो, अपने पास में Na+, Ca+2, Mg+2 और K+, ये सब आपके क्षारीय आयन है। क्या है बेटा? क्षारीय आयन। इनमें से सोडियम आयन की क्षारीयता सबसे ज्यादा होती है। सोडियम आयन की क्षारीयता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इस कारण से इस अभिक्रिया में क्या हुआ? Ca+2 आयन का प्रतिस्थापन किससे हो गया? सोडियम प्लस से। किससे हो गया बेटा? सोडियम प्लस से। तो यहां पर जो मृदा है वो कौन सी होगी? क्षारीय मृदा। कौन सी होगी? क्षारीय मृदा। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? क्षारीयकरण। क्या बोलेंगे? क्षारीयकरण। अब क्या हुआ, यदि इनका लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है? लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है? न्यूनीकरण, कम हो जाते हैं। क्या होता है? न्यूनीकरण। लवणों की मात्रा में कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। फिर आता है आपका कौन सा? निम्नीकरण। क्या आता है बेटा? निम्नीकरण। तो देखिए इसको भी अपन रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं। अब अपने पास देखो क्या हुआ, जो लवणीकरण हुआ है उसमें देखो आप, ये आपकी क्या है? क्ले है।
इसके ऊपर क्या आ चुके हैं, Na प्लस। क्या आ चुके हैं बेटा, Na प्लस। ये कौन सी मृदा है आपकी, क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा है ये, क्षारीय मृदा। अब इसकी क्रियापन ने किससे करवा दी, जल से। जल आएगा आपका, वर्षा का जल है, सिंचाई का जल है, या अगर किसी स्रोत से जल आता है, इसमें क्या उपस्थित है, H प्लस और OH माइनस है। क्या है, H प्लस और OH माइनस है। तो यहां से इसके चारों ओर क्या है, Na प्लस। क्या है बेटा, Na प्लस। क्लियर। तो इसके चारों ओर जो Na प्लस आयन है वो जल के किससे है, एच प्लस से। किससे, एच प्लस से। तो देखो क्या स्त्री बनती है, ये आपकी क्ले है, इधर भी क्या हुआ सोडियम, इधर भी क्या है सोडियम, इधर भी क्या है सोडियम, और यहां क्या आ गया, एच प्लस। क्या गया बेटा, एच प्लस। और ये बन गया आपका Na के साथ में कौन आ गया, OH, NaOH। तो जैसे जैसे एच प्लस बढ़ता जाएगा, मृदा की क्या बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ जाती है। और जो NaOH बना है, ये NaOH किससे है, CO2 से क्रिया करेगा बेटा। किससे करेगा आपका, ये CO2 से क्रिया करेगा। किससे करेगा, ये CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, देखो Na2CO3 प्लस H2O। यहां पे कितने ले लिए, दो। तो देखो NaOH और CO2 क्या बन गया, Na2CO3, साथ में क्या आ गया, H2O। क्लियर। इस तरह से इस क्रिया को बोला जाता है निम्नीकरण। क्या बोलते हैं, निम्नीकरण। और जो पांचवी अवस्था है वो क्या बोलते हैं अपन, रीग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, रीग्रेडेशन। मतलब सोडियम लवणों की मात्रा का जो बढ़ जाना होता है उसको धीरे धीरे क्या हो जाता है, वापस आ जाती है। मतलब आपका निम्नीकरण हुआ तो उससे जो पांचवी अवस्था है उसको अपन कह सकते हैं कि दोबारा क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं के निर्माण की स्थिति चालू होना। पांचवी अवस्था क्या बोलेंगे अपन, दोबारा लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की स्थिति चालू होना। तो धीरे धीरे क्या होता है, सोडियम लवणों की मात्रा को बढ़ाना, बढ़ जाना, क्या कहलाता है, रीग्रेडेशन। क्या कहलाता है, रीग्रेडेशन। है ना, सब बच्चों का क्लियर है, क्लियर। तो बच्चों आज अपने लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन प्रावस्थाओं से होता है, उनमें क्या क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में अपन ने सारी डिटेल स्टडी की है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।